उसके पापा उसको पतंग उड़वाने लगे। ऑटोमेटिक ही उड़ जाती होगी तो। Hey guys, so welcome back to the vlog. And vlog start करने के पहले first of all a very happy Mother's Day to all of you. तो मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए कल फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करने गया था, फॉलोड बाय डॉक्टर स्ट्रेंज. तो काफ़ी अच्छी मूवी थी, आई लाइक डेट. एंड स्पेशली इफ यू आर अ फैन ऑफ मार्वल तो एक बार आपको जाके ज़रूर देखना चाहिए. और कॉन्सेप्ट बताया उसके अंदर मल्टीवर्सेस का, एक उसके अंदर ये भी आस्पेक्ट बताया था कि वट एवर यू सी इन योर ड्रीम तो किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपका कोई दूसरा वर्जन है हु इज़ एक्चुअली लिविंग दैट लाइफ और उसके साथ में वहाँ पे वो हो रहा है बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग ड्रीम्स. तो वो एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगा है. एंड इफ दैट वॉज टू बी ट्रू तो किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में काफ़ी ऑकवर्ड चीज़ें हो रही है मेरे साथ में. ओके एनीवेज, तो इट्स अ नाइस सनी वेदर आउटसाइड टुडे और दीक्षा ने बोला कि घूमने जाते हैं कहीं अच्छी जगह देख के आते हैं. तो वी हैव रेंटेड अ कार. अभी ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं एंड 11:30 से कार रेंटेड है. तो फटाफट नाश्ता फिनिश करते हैं और लेके आते हैं. Hi there. I'm picking up a prepaid reservation. Okay. Yep. What reservation is it? Reservation okay. Avis. What's your last name? It's spelled as Dubey. Dubey. Mm-hmm. Okay. Yep. Mm-hmm. What insurance are you going to use? American Express. So if you could tell what sort of car am I going to get? Mm-hmm. Full-size car. Yep, sounds good. You gonna put that bike and fit in it? Yeah, so it just folds and it collapses. Yeah. Okay, that's cool. it's motorized? This one, yeah. Wow. Uh-huh. You got it in America? Yeah, I just bought it recently. The good thing about this one is it can go up to 40 miles an hour. Wow. What do you call it? Like Apollo Ghost. Apollo Ghost? Yep. Wow, 40 miles per hour. Uh-huh. Wow, wow. You don't need a car. Living downtown, that's ideal, man. Yeah. Mm-hmm. So the handle just comes down and gets stick to the surface. So it's like a flat scooter then, and you can just put it in the trunk and... Yeah. I've gone 120 miles an hour on a Harley. Oh, really? There's no way in hell I go 40 miles an hour on this thing. Yeah, you gotta have good balance and all that. I'll be scared to do that. Yeah, I'll be scared to do 40 on that. What are you? Mm-hmm. Pardon me? What did it cost? It was $1,500. Yeah. Yeah, but I'm thinking just in the long run, it's going to pay for itself. Of course, yeah. When you save the pocket. Exactly. And the price of gas. Mm-hmm. Yeah. Pay for. How long does it take to charge? This one, so with the fast charger, it's going to take like 4 hours to charge fully. Yeah, but with a regular one, you can just leave it overnight and it's going to charge. Wow. Yep. That is so cool, man. Let's take a look at it. Send it to you. Sure. अभी हम लोग निकल गए हैं तो पहला डेस्टिनेशन अभी शैग्रिन फॉल्स जा रहे हैं. अब मैं एक बार ऑलरेडी होके आ चुका हूँ शैग्रिन फॉल्स में और स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं था मुझको वहाँ पे. मतलब द प्लेस इज काइंड ऑफ ओके, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट फॉर सम रीज़न दीक्षा को पसंद है वो जगह, आई डोंट नो व्हाई. तो वहाँ पे जा रहे हैं तो सी यू देयर. ओके तो ये है शैग्रिन फॉल्स.
And the speciality about this waterfall is that this is located right in the center of the city. तो जैसे कि वो ऊपर लोग खड़े हुए हैं तो वहाँ पे इट इज़ अ टाउन और नीचे वाटरफॉल बना हुआ है, साथ में एक ही रेस्टोरेंट भी बना हुआ है यहाँ पे। तो सामने वहाँ रेस्टोरेंट में वीकेंड्स पे काफ़ी लोग आते हैं, तो शाम के टाइम पे अगर कोई आता है तो वाटरफॉल के साथ में व्यू काफ़ी अच्छा होता है वहाँ से। अभी सिटी देखते हैं ऊपर चल के। अक्षय, हाँ जी, तो आज तो तुमको बड़ी खुशी हो रही होगी। किस बात की? जगह की। बड़ी सुंदर जगह है? नहीं, बहुत सुंदर जगह है। और अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या बोल रहे थे, अमेरिका बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है समर के टाइम में? यूएस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि स्नो नहीं होती है, सब दूर अच्छा सनी रहता है, ग्रीनरी रहती है, तो मज़ा आता है घूमने में। और क्या रीज़न होगा? अच्छा 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 अच्छा, मतलब हर किसी को समर के टाइम पे स्पेशली एक बार तो आना ही चाहिए यूएस। नहीं आया, अच्छा नहीं आया, तो दिख ही नहीं रहा इसमें। मम्मी के साथ में नानी के घर जा रहा था मैं ट्रेन से। अब होता ये था कि जब भी मैं और मम्मी ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो मैं छोटा था, इसलिए मम्मी मुझको लेके लेडीज़ कोच में बैठ जाया करती थी। तो लेडीज़ कोच के अंदर भी आप छोटे हो तो कितने छोटे हो उस पर डिपेंड करता है ना। अगर मान लो आप 6th class में हो, 7th class में हो, तब तक तो चलता है, आप थोड़े बड़े हो जाते हो 11th 12th में, तब तक तो दाढ़ी मूछ भी आने लगती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा नहीं चल पाता है। अब हुआ क्या एक बार कि मैं और मम्मी जा रहे थे और बाकी कंपार्टमेंट्स भरे हुए थे, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है चल लेडीज़ कोच में ही बैठ जाते हैं। अब हम लोग लेडीज़ कोच में जाके बैठे तो वहाँ पे आदमी लोग भी आके बैठे हुए थे बाहर से, तो किसी ने कंप्लेन करी तो वहाँ पे पुलिस वाला आया और सारे आदमियों को उसने बाहर निकाला कि लेडीज़ कोच है, तुम लोग बाहर जाओ। अब मैं बैठा तो पुलिस वाले की नज़र पड़ी मेरे ऊपर, 11th class में था मैं उस टाइम पे। तो वो आया और आके उसने मुझसे बोला कि भाई क्या कर रहे हो, ये लेडीज़ कोच है, यहाँ पे तुम नहीं बैठ सकते, तो तुम जाओ पीछे के डब्बों में। तो मैंने, तो मम्मी ने उसको बोला कि अरे नहीं नहीं सर, छोटा ही है ये, तो अभी 7th class में ही है। तो वो पुलिस वाले ने ऐसे करके देखा और उसने सोचा कि यार ये 7th class में लग तो नहीं रहा है, बड़ा लग रहा है ये बच्चा। तो उसने क्रॉस चेक करने के लिए मुझसे पूछा कि क्यों बेटा तुम 9th class में हो ना? तो मैंने भी बोल दिया कि नहीं नहीं अंकल, मैं 7th class में ही हूँ। फिर कुछ नहीं, चला गया, और क्या क्या बोलेगा अब इसके ऊपर। और दीक्षा ने अभी जस्ट एक चलते चलते बहुत मस्त चीज़ फाइंड आउट करी है, यहाँ पे वी आर गेटिंग फ्री फूड। ओके, तो ये फ्री फूड में थोड़ा सा एक कैच है, यहाँ पे वर्क हियर ईट फ्री, तो काम करना पड़ेगा। ये गए बस, अभी सनसेट देखने जा रहे हैं। दो जगह कहाँ कहाँ गए हम? पता नहीं, मतलब नाम भी भूल गए। शेगर, बात बताना यार, सनसेट तो 8 बजे, अभी तो 6:40 ही हो रही है, अपन इतनी देर करेंगे क्या वहाँ पे? फिर तो बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, सुबह से भाग रहे हैं इधर उधर। वहाँ तो स्कूटर चलाने की भी जगह नहीं है। क्यों, ट्रेल्स बनी हुई है नीचे, वहाँ नहीं चलते स्कूटर, साइकिल चलाते हैं लोग। ओके
गाइस, सो द डे फाइनली कम्स टू एन एंड. आई वुड से इट वाज अ डे वेल स्पेंट. दो तीन स्पॉट भी कवर कर लिए, शॉपिंग भी कर ली, सनसेट भी देख लिया. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.